पीएम मोदी आज अखिल भारतीय शिक्षा समागम का करेंगे उद्घाटन। पीएम नई शिक्षा नीति के तहत 12 भारतीय भाषाओं में किताबों को करेंगे जारी। अमित शाह ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में बीजेपी की पदयात्रा को दिखाई हरी झंडी। तमिलनाडु की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी यात्रा। विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना। विपक्ष का जो टोला है वो भारत का विकास नहीं करना चाहता है, अपने परिवार का विकास करना चाहता है। देश की सबसे करप्ट सरकार अगर कहीं पर है तो ये डीएमके सरकार है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की पार्टी महासचिवों के साथ बैठक। दिल्ली में हुई बैठक में पार्टी के कार्यक्रमों और आगामी चुनावों की रणनीति पर हुई चर्चा। लव जिहाद पर असम के कांग्रेस अध्यक्ष का आपत्तिजनक बयान। हिंदू देवताओं का जोड़ा नाम। सीएम ने कहा शिकायत दर्ज होने पर होगी गिरफ्तारी। दिनभर चले ड्रामे के बाद सामने आया पाकिस्तान जाने की फिराक में लगी 17 साल की नाबालिग का सच। लाहौर के लड़के से सोशल मीडिया पर की थी दोस्ती। लड़के के कहने पर झूठी कहानी बनाकर जाना चाहती थी पाकिस्तान। अपने बच्चों को छोड़ पाकिस्तान पहुंची अंजू का एक और वीडियो आया सामने। निकाह के बाद गिफ्ट में 40 लाख का फ्लैट मिलने का दावा। दिल्ली से जम्मू जा रही तवी एक्सप्रेस में बम की सूचना से हड़कंप। 4.5 घंटे चले सर्च ऑपरेशन के बाद ट्रेन को किया गया रवाना। सारी रात परेशान रहे यात्री। देश भर में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। महाराष्ट्र में बारिश से अब तक 100 लोगों की मौत। हिमाचल और उत्तराखंड में पहाड़ खिसकने से कई रास्ते बंद। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर वन भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर वन पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। धमाका हुआ जिसकी गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा। आग के कहर बरपाने का जो वीडियो सामने आया उसमें तेज धमाका होता दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फट गया हो। चारों तरफ ऊंची ऊंची लहरें और दमघोटू धुआं फैलता दिखाई दिया। वहां जंगलों में लगी आग धीरे धीरे फैलती जा रही है। हालांकि आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मियों ने पूरी ताकत झोंक दी। हेलीकॉप्टर की मदद से भी आग को बुझाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद आग का तांडव कम होने का नाम नहीं ले रहा। हालात ऐसे बन गए कि जंगल के किनारे रहने वाले लोगों के पास घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही